तो देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हम प्रीवियस क्लास में तुम लोग को बता चुके थे, सबके लिए है। अभी क्या है कि बैलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल इसेंशियल। जानते हो कि हमारा इस इकोसिस्टम या इस इन्वायरमेंट की बात करो तो अगर इस इन्वायरमेंट की तुम बात करोगे तो इस इन्वायरमेंट में आपके पास प्लांट्स एनिमल दोनों है, मतलब कुल मिलाकर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों है और दोनों हमारे लिए इसेंशियल है। अब बायोटिक कंपोनेंट में अगर बात करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, प्लांट एनिमल आते हैं ना, और उसमें देखोगे तो फिर आता है हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। क्या लगता है कि इसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कम इंपॉर्टेंट है? तो फिर कहेंगे कि नहीं, यहां पे कोई ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कोई कम इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी वन आर इक्वल इंपॉर्टेंट, सब के सब बराबर इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि हमारे इकोसिस्टम से कार्निवोरस को हटा दिए। यू नो अबाउट कार्निवोरस, कार्निवोरस वो जानवर है या वो एनिमल है जो फ्लेश खाते हैं। तो अगर कार्निवोरस को हम हटा देंगे तो धीरे धीरे जो हार्बीवोरस है उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ते जाएगी, और जब अगर उनकी संख्या बढ़ते जाएगी तो वो सारे प्लांट को खा जाएंगे, और अगर वो सारे प्लांट को खा जाएंगे तो पूरे अर्थ से प्लांट खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ना। उसी तरीके से अगर हम हार्बीवोरस को हटा दें, हार्बीवोरस को हटा देंगे तो कार्निवोरस क्या खाएंगे, तो कार्निवोरस मर जाएंगे, फिर पूरा अर्थ पे सिर्फ प्लांट ही प्लांट बचेगा, और सिर्फ जब पूरा प्लांट ही प्लांट बचेगा एनिमल तो खत्म हो गए। एलिमेंट अगर खत्म हो गए तो फिर उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा, प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनिमल देता है। अगर सारा एनिमल खत्म हो गया तो फिर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कहां से, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो फिर प्लांट भी डेथ कर जाएगा। अगर प्लांट को हटा देते हैं तो प्लांट को हटा दोगे तो हार्बीवोरस मर जाएगा, हार्बीवोरस मरेगा तो कार्निवोरस मर जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि ना तो आप प्लांट को हटा सकते हैं, ना कार्निवोरस को हटा सकते हैं, ना हार्बीवोरस को हटा सकते हैं, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है। अब बात करते हैं कि कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो इस बैलेंस को खराब करता है। हमारी कौन सी एक्टिविटी है जो इस बैलेंस को खराब करता है? तो जानते हैं कि हम लोग जंगल को काटते हैं, जंगल को काटते हैं तो क्यों काटते हैं, तो जंगल को काटने का बहुत सारा रीजन है। जैसे रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए जंगल को काट दिया, फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर के लिए जंगल को काट दिया, या स्लीपर ट्रैक, पहले स्लीपर ट्रैक होता था अब खैर वो नहीं होता, उसके लिए जंगल को काट दिया और जंगल को काट करके उसका अपने लिए यूज किया। तो जैसे ही जंगल को काट देंगे तो पेड़ जो होगा वो कम हो जाएगा, पेड़ कम होगा ना, धीरे धीरे पेड़ कम होगा, जंगल कम होगा। अब आप जानते कि जो जंगल होता है या जो पेड़ होता है बहुत सारे जानवरों का घर भी है, बहुत सारे जानवर का घर है, क्योंकि जानवर जो होते हैं पेड़ों पे ही रहते हैं। तो अगर आप पेड़ काटिएगा तो इनडायरेक्टली उनका घर को आप खत्म कर दिए, तो फिर वो रहेंगे कहाँ। दूसरी बात यह है कि अगर पेड़ आप काटिएगा तो धीरे धीरे हमारे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने लगेगा तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। हमारा जो अर्थ है वो गर्म हो जाएगा, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट कम हो रहा है। उसके बाद हम लोग जो भी ऑटोमोबाइल्स या फैक्ट्री या चिमनी से जो धुआं निकलता है वो धुआं क्या करता है कि हमारे एयर को पॉल्यूट करता है, उससे भी हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, होता है ना। तो ये सारी एक्टिविटी ऐसी है। उसके अलावा पॉपुलेशन, आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है,
उस तरीके से लोगों का बहुत सारा नीड्स भी बढ़ रहा है, जैसे रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए। तो रहने के लिए घर चाहिए तो घर आप कहाँ बनाइएगा, तो जंगले को काट के घर बनाइएगा। खाने के लिए अनाज चाहिए तो अनाज कहाँ उगाइएगा, तो किसी प्लॉट पे ही उगाइएगा जो खाली मैदान हो। तो खाली मैदान फिर आएगा कहाँ से, तो लोग जंगल को काट करके वहाँ खाली मैदान बना देते हैं। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आप घर बनाइए या खेत बनाइए, तो जंगल को काटिएगा, और जंगल काटिएगा तो फिर आपका इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके कारण हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो। डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारा केसेस होता है। ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब मतलब अर्थ, वार्म मतलब गर्म, हमारा धरती जो है ना धीरे धीरे गर्म हो रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। वही लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग स्टेप टू रिस्टोर द बैलेंस नेचर बाय सेटिंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सरकार जो है बहुत सारे जानवरों को बचा रहा है, जानवरों को बचा रहा है, प्लांट को बचा रहा है। जानवरों को बचाने के लिए क्या किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि जो जानवर होते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में उनको प्रिजर्व किया जाता है, कि कोई शिकारी आकर के उनका शिकार नहीं करे, है ना। उसके बाद क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग पीपल टू प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन, मतलब लोगों को गवर्नमेंट जो है अवेयर करवाता है, उनको मोटिवेट करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाइएगा उतना ज्यादा से ज्यादा हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। फिर क्या होता है, पानी को आप प्रोटेक्ट कीजिए। पानी जानते हैं कि धीरे धीरे जो आप फ्रेश वाटर होता है, तो हमारे अर्थ से फ्रेश वाटर दिन पर दिन शॉर्टेज होते जा रहा है। तो पानी का शॉर्टेज को अगर कम करना है तो पानी का आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, पानी का ज्यादा बर्बादी मत कीजिए। और फिर पानी को कंजर्व कीजिए, उसी में आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो बारिश होता है बारिश के पानी को आप सेव करके रखिए फ्यूचर के लिए, ताकि जब कभी पानी की कमी हो तो उसका यूज कर सके, ठीक है। इस तरीके से हम अपना इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही है, इसको आप रीड करके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना।